क्या कश्मीर में सरकार बनाने की फिराक में है कांग्रेस और पीडीपी? क्या कश्मीर में बनने वाली है कांग्रेस पीडीपी गठबंधन की सरकार? जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने और राज्यपाल शासन लगने के बाद घाटी में एक बार फिर से सरकार बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस भले ही खुले तौर पर पीडीपी से हाथ मिलाने की खबर से इनकार कर रही हो, लेकिन अंदर खाने चल रही कोशिशें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और पीडीपी ने सूबे में गठबंधन सरकार बनाने को लेकर संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीडीपी प्रमुख और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच इसको लेकर चर्चा भी जारी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि महबूबा मुफ्ती पिछले दो दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। खबरों की माने तो जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस के पॉलिसी एंड प्लानिंग ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डॉक्टर कर्ण सिंह, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी मौजूद रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को श्रीनगर में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता और सूबे के विधायक शामिल होंगे। खबर है कि इस बैठक में सरकार बनाने की संभावना पर चर्चा की जाएगी। हालांकि राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी संग गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी दोनों पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन की खबरों का खंडन कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बहुमत के लिए 44 विधायकों का समर्थन जरूरी है। विधानसभा में कांग्रेस के पास जहां 12 तो पीडीपी के पास 28 विधायक हैं। अगर दोनों दल साथ आते हैं तो फिर उन्हें सरकार बनाने के लिए 4 और विधायकों की जरूरत होगी, जो 3 निर्दलियों के अलावा CPIM के 1 और JKPDP के 1 विधायक के समर्थन से पूरी हो सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस घाटी में सरकार बनाने के लिए पीडीपी से हाथ मिलाती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।